तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ TVS Sport फुल ब्लैक कलर में, लेटेस्ट मॉडल 2024 A20 इंजन के साथ में लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, और इस बाइक की कमियाँ भी बताने वाला हूँ जो रियलिटी में है। मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलने वाला कि भाई मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आने लग जाए इसलिए अपने सब्सक्राइबर को जो बोलोगे वो लोग सच मान लेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एक एक जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो भी आप लोगों को क्लियर करूँगा, और जो मतलब इसमें ठीक फीचर्स है वो भी आप लोगों को बताऊँगा, और ऑन रोड प्राइस भी सारे क्लियर करूँगा। इसका ऑन रोड प्राइस क्या आ जाएगा, किस स्टेट में कौन सा प्राइस आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो आप देख पा रहे हो फुल्ली जेड ब्लैक में TVS स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट, 3D में बीजिंग कोई नहीं करी हुई इसमें। जो आप TVS स्पोर्ट रिटर्न में देख रहे हो ऐसे आ जाएगा, जैसे आप ये TVS का लोगो देख रहे हो 3D में मिल जाएगा आपको। फुल ब्लैक कलर E20 इंजन के साथ में एनालॉग मीटर आ रहा है इसमें हमारा, ड्यूरालाइफ इंजन के साथ में ट्यूब वाले टायर मिल जाते हैं इसमें हम अपने को, जो दिखने में मतलब सिंपल से लगते हैं। अगर मैं इसके इंडिकेटर्स की बात करूं तो हैलोजन में इंडिकेटर मिल जाएंगे इसमें आपको देखने के लिए। बाकी लेग गार्ड, साइड गार्ड, फुटरेस्ट वगैरह फुल एक्सेसरीज गाड़ी को लगी हुई है। अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो 77,500 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा, जिसमें RC इंश्योरेंस सब टैक्स वगैरह इंक्लूड है। मेन जो इसकी हेडलाइट आ जाएगी वो हैलोजन में दी गई है। ड्यूरालाइफ इंजन का जो इसमें इंजन यूज़ किया गया है, ट्यूबलेस टायर नहीं आते इसमें, टायर इसमें ट्यूब वाले आते हैं। अगर मैं इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इसमें किक मारते हो तो किक से कभी स्टार्ट नहीं होता, बहुत टाइम लगता है किक से स्टार्ट होने में इसमें। नॉर्मली अगर आप इसमें सेल्फ मारते हो तो सेल्फ में ये पहली बार में स्टार्ट हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी दी गई। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ आपसे तो 70 से 75 की माइलेज ये आपको लोकल में दे देगा, और हाई वैसे तो कंपनी 95 की क्लेम करती है, बाकी पता नहीं अब इतनी आती है कि नहीं। बस मेरे को इतना पता है नॉर्मल 70-75 माइलेज ही आप लोगों को देगा, ज़्यादा 80-85 तक चला जाएगा। और फुटरेस्ट वगैरह मिल जाता है साइड में पैर रखने के लिए। कलर ऑप्शंस भी इसमें काफ़ी सारी है, जैसे अभी आप ये कलर देख पा रहे हो, ये फुल ब्लैक कलर, जेड ब्लैक कलर मिल जाएगा। रेड कलर की भी ऑप्शन है इसमें, किसी को फुल ब्लैक पसंद होता है। मतलब जो इसमें कलर ऑप्शंस बनाए गए हैं वो सिंगल सिंगल कलर बनाए गए हैं, पहले क्या था 2-3 कलर मिक्स थे इसमें, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको चाबी सिंपल सी चाबी मिलेगी ऐसे जैसे आप लोग देख पा रहे हो, कोई मतलब डिज़ाइन की चाबी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चाबी। E20 इंजन एथेनॉल 20%, नॉर्मली पूरी जैसे हम टैंक का लॉक खोलते हैं तो पूरा वो ढक्कन बाहर आ जाता है। 10 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है इसमें। नॉर्मल सिंपल सेल्फ स्टार्ट मॉडल आप लोग देख पा रहे हो। ऑन रोड प्राइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया वही रहने वाला है। बाकी आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो तो उस स्टेट का मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। शीशे मिरर फुल एक्सेसरी के साथ जो मैंने आपको प्राइस बताया वो 77,500 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। डिपर, पासिंग, सेल्फ स्टार्ट सारा रहने वाला है। कलर ऑप्शंस ब्लैक मिल जाएगा, बाकी एक कलर और दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये ग्रे कलर ऑप्शन है, ये भी काफ़ी शानदार कलर है इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा कलर है इस ये। मतलब ये कलर मतलब ऐसा नहीं कि पहले कलर आ रहे थे, आपको भी पता होगा कलरफुल से थे जिसमें 2-3 कलर मिक्स थे। पर अभी क्या है, जो किक स्टार्ट मॉडल हमारा पहले आ रहा था वो मॉडल अब बंद कर दिया गया है। अभी क्या है, सिंगल सिंगल कलर में सिंगल सिंगल मॉडल निकाल दिए गए। अभी क्या है, मॉडल सिर्फ सेल्फ स्टार्ट। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।